क्या आपको देश के 45वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ले रहे जस्टिस दीपक मिश्रा के शपथ ग्रहण समारोह में लेकर चल रहे हैं? I, Dipak Mishra, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. तालियों के बीच विनम्रता के साथ देश के चीफ जस्टिस का पदभार संभालते हुए पद और गोपनीयता की कह सकते हैं हम शपथ लेते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और ये राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल है जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। याकूब मेमन की फांसी से पहले सुनवाई के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट उन्होंने खुलवाया था। निर्भया रेप केस में दोषियों को फांसी की सजा दी थी तो इस तरह के अहम और बेहद अहम फैसले जस्टिस दीपक मिश्रा के करियर का हिस्सा रहे हैं और अब देश के चीफ जस्टिस 45वें चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस दीपक मिश्रा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।